हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग पर। अभी 9 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉगिंग। तो सुबह में थोड़ा सा बिजी थी एक्चुअली, कल का ब्लॉग को जो है मैं एडिट किया, एडिट करने के बाद उसे अपलोडिंग पे रखा, शेड्यूल पे रखा। तो बस अभी थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ। फ्री बोलने से भी मेरा ये काम जो है करना पड़ेगा, कपड़ा वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिजॉर्ट गए थे तो रिजॉर्ट जाने के बाद वो कपड़ा भी थोड़ा गंदा हो गया, उसे वॉश करनी पड़ेगी। और आज रेयन, ये देखो मेरा पीठ में जो है सेकंड टाइम है ये, फर्स्ट टाइम उसको जब पीठ में भुखा था उस टाइम में जो है पूरा रोया, अभी पूरा चुपचाप है। ऐसे में वीडियो एडिट करते टाइम पर ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसको जो है गोदी पर लिया। गोदी पर लेने से थोड़ा सा दूध पिलाया, फिर भी नहीं रहता है। अभी इसको ऐसे पीठ में बांध दिया। अभी घर पे जो है सिर्फ रितु दीदी है, वो भी रेडी हो रही है तेजू जाने के लिए, वो स्कूटी सर्विसिंग करने के लिए। और लेमू भी जो है एक तो भैया को तेजू हॉस्पिटल पे लेके गया है, तो मम्मी भी नहीं है घर पे। मम्मी जो है एक तो पूजा में गई है शामिल होने के लिए। अभी घर पे सिर्फ हम दोनों होंगे माँ बेटे, और रेयन को झूला पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। ये जब तक ये नहीं सोता है तब तक जो है थोड़ा गुस्सा हो जाता है, रोता है, तो इसको छोड़ कैसे यहाँ पे अकेले काम करूँगी ना, इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो इससे अच्छा है गोदी पर ले लिया, यहाँ पीठ में भूखे जो है मैं ये कपड़े को वॉश करूँगी। क्या कर रहा हूँ, माँ का जिंदगी है, ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए जो होता है वही मैनेज करना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं, अभी जो है आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, आगे दिखाती हूँ मैं क्या ब्लॉग बना पाती हूँ। आज वैसे एक दिन गैप हो गया था मेरा, परसों का ब्लॉग गैप हो गया था। थोड़ा फ्रेश अप होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है ये कपड़े वगैरह को वॉश कर लेती हूँ। उतना धूप नहीं दे रहा है, ये देखो काले काले बादल है, फिर भी हवा के वजह से सूख जाएगा। जल्दी वॉश करती हूँ मैं इसको। ये रेयन का पेन, ये रेयन का पेन है, रेयन को नींद लग रहा है, जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ रहा है। सीधा हो जा, सीधा 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 आ, नदी नदी पूरा नदी नदी, देना देना बा, देना 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 देना। ये एक पाव पूरा अभी हो जाएगा रानो, अभी हो जाएगा। ओ देना बा, देना 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 सारे कपड़े वगैरह को जो है दे दिया है बाहर पर सूखने के लिए। धूप तो उतना नहीं दे रहा है, थोड़ा हवा के वजह से थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेयन जो है झूला पर है, ये देखो पूरा सो रहा है, पूरा पीठ में ही सो गया था ये तो, बार बार तरह तरह करके ऐसे रोया। तो इसको जो है मैंने जैसे तैसे करके पीठ पर सुला दिया। थोड़ा आदत भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम जो है हम झूला पर इसको रख नहीं सकते। अगर यहाँ वहाँ जाएंगे तो पीठ में भूख के जो है सुलाना पड़ेगा। अगर घर पे कोई भी नहीं रहने से ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या करेगा, अकेला मैनेज करना पड़ता है ना। तो
घर में एक ना एक रहने से थोड़ा सा इजी होता है, अभी कोई भी नहीं है तो कोई नहीं रहने से इसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग भी डेली बनाती हूँ और इसको लेके इधर उधर तो जा नहीं सकती, बस छोटा मोटा को जो है ऐसे इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। लम्हू जो है पता नहीं कब को आएगा, नहा धो के फिर से जो है शायद बैंक पे जाना पड़ेगा एक नया वाला अकाउंट अप्लाई करने के लिए। पूरा थक गई हूँ भगवान। और यहाँ पे लम्हू भी आ गया है, आने के बाद ये फिर से जाएगा बैंक पे, वहाँ पे भैया भी है और यहाँ पे लोकल बिस्किट खा रहे हैं। ये बिस्किट जो है हमने जो पुमिन डेली ब्लॉग्स है उनके लिए बना दिया था, मम्मी ने बना दिया था नारियल और बनाना और राइस स्टिकी राइस दे के, तो यहाँ पे रख दिया है, सुबह पर बना दिया था मम्मी ने। ये देखिए यहाँ पे है लोकल बिस्किट, तो यहाँ से दे देंगे हम लोग। तो उनको जो है कॉल करके यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, वो लोग जो है आज नहीं तो कल को निकलेंगे यहाँ से, हम लोग का यहाँ गांव से, हम लोग का गांव पे तो नहीं है वो होम स्टे पर है। अब देखो फिर से जाग रहा है ये लड़का, रेवन जाग गया। अभी इसको जो है मैंने नहला दिया है तावेल से पूरा, ये देखो तावेल को एकदम स्विमिंग ड्रेस लगा दिया है रेवन को। वाओ बाबा 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 बाबा, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो, देखो कैसे देख रहा है अपने आप का, कैसे देख रहा है। तो अभी इन्होंने तो नहा लिया ये हीरो ने, बस मुझे अभी तक नहाने नहीं मिला है, जब तक लम्हू आ नहीं जाता है मुझे जो है नहाने नहीं मिलेगा। सुबह तो जैसे तैसे कपड़ा वगैरह वॉश किया, अभी शाम होने को चला है, 3 बज गया अभी, बस ये इसका बस इसका ड्यूटी निभा रही हूँ मैं, है ना बाबा आपका ड्यूटी ना। अभी इसको जो है थोड़ा क्रीम श्रीम लगा देती हूँ और कपड़े सपड़े सब लगा दूंगी ना, अभी पूरा हीरो लग रहा है ना। ये इसका फेवरेट टॉवल होगा क्या ये? ये उस दिन तेजू में गया था, तेजू में आते वक्त जो है रात हो गया था तो हवा नहीं लगने के लिए ये टॉवल को उड़ा के जो है मैंने इसको लेके आया। बाबा हेलो, बाबा हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। अभी लाइट भी आ चुका है दोस्तों, तो लम्हू आने के बाद मैं भी नहाऊंगी। अभी रेवन को थोड़ा सा स्टाइल मार देता हूँ ना, है ना स्टाइल मारना है ना तुमको। आज मैं दिन भर सिर्फ रेवन बेटा के साथ थी, अकेले अकेले वो भी घर पे, तो यहाँ पे देखो समीर भैया और यहाँ पे हाँ समीर भैया का आज वीडियो सुबह से पब्लिक और ये अपलोड किया था, हाँ, नहीं, नेट नहीं। और हाँ, तो दो दो ब्लॉग काल से देने शुरू किया था, हाँ, तो आज तो एक ब्लॉग भी मुश्किल हो, एक ब्लॉग भी नहीं हो ऐसे होता है। कितना पार्सन हुआ है अभी, थोड़ा हो रहा है अभी, हाँ जल्दी हो जाएगा हॉटस्पॉट में। ये देखिए गाइस यहाँ पर हो रहा है अभी, ये देखिए मोटरसाइकिल लेके जल्दी हो जाएगा, हाँ, आगे से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जो है बनाना और मम्मी ने जो है दीदी लोगों के लिए होगा फिर बना दिया था तो वही निकाल दिया। और यहाँ हाथ में एक तो मच्छर खा रहा है इसको अभी देख रहे और भैया लोगों को बनाना निकाल दिया, मैं भी खा रही हूँ, हाँ भैया भी खा रहे। अभी रेवन जो है नहाने के बाद मजे से सो रहा है, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता है, जैसे बड़ा होते जा रहा है ना पूरा, ये भी पूरा चालाक हो रहा है रोता है, हाँ हाँ बाहर घूमने के लिए रोता है, ये आदत पड़ रहा है, हाँ आदत नहीं लगाना है इसको, जैसे भी हो सिर्फ सुलाना है, जितना सोएगा उतना इसका बॉडी में चेंजेस आएगा। मम्मी पहुंच चुके हैं फाइनली, ये देखो पूजा में गई थी और ड्राई फिश लेके आया, कितना महीनों के बाद ड्राई फिश। और वो डिब्बा ओ पूजा में डोनेट करेगा, हाँ अच्छा। ओ मम्मी जो है कल फिर से पूजा में जाएगी, कल क्या है अष्टमी क्या, बड़ा वाला बनते हैं, ओ सबसे बड़ा वाला गुरुजी, हाँ पूरा पसीना पसीना हो गई है। वाओ कितने दिनों के बाद ड्राई फिश, सूरी मास, हम लोग का सूरी मास, ये देखो आज तो इसका चटनी खाएंगे बहुत महीनों के बाद। तो अभी के लिए जो है मैं इसको यहाँ स्टोर रूम पे रखती हूँ ना, नहीं तो बिल्ली खत्म कर देगा। यहाँ पे बैठ के जो है मैं थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, बाटे साटे भी कर रहे हैं। अभी मिर्च भी तोड़ के रखती हूँ मैं, ये दंडे के साथ रखने से बहुत खराब होता है, जल्दी खराब होता है, तो इसको जो है मैं तोड़ तोड़ के रखते हो। फिर उसके बाद जो है मैं सब्जी वगैरह कलेक्ट करने जाऊंगी, फिर जो है डिनर शिनर बनाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, वो ये खरीद करके लाए, हाँ
आजकल बहुत महंगा हो गया। कितना है इसका? 200 200 हो गया। तो अभी ठंडे दिन में 300 सुना है। जब हम लोग का खेत था ना उस टाइम पे 1 किलो 20 रुपया 40 रुपया। अभी अपना पास नहीं है मिर्च का खेत, इसलिए महंगा हो गया पूरा 200। हाँ, ये पाका पाका को पूरा ऐसे धूप में सूखा सूखा के रखे इसको। तब उसका सीड निकाल के आप भी नर्सरी करिए और ये पास आपको खरीद कर। बढ़िया है, बढ़िया है, गुड आइडिया समीर भैया का। सही तरीका। हाँ ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जेरी बारी को मेरा समीर भैया का तरीका से पूरा सही तरीका से यहाँ में सीप रखने के लिए अभी तरीका सिखलाई किया मेरा तरीका। इसको हम यहीं में रखेगा के लिए, इसका जो सीड वगैरह होगा ना सूखने के बाद नर्सरी करेगा, बस फिर मिर्च का पौधा होगा। तो आज का दिन तो मैं कैमरा मैन हो रहा हूँ यहाँ पर, जेरी बारी का थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। पूरा अभी रख देने से बहुत अच्छा होगा आप लोग का ना। आप लोग इसको अपना लैंग्वेज में क्या कहते हैं भैया? खोरसानी बोलते हैं। बुदू कहते हैं। बुदू ना, मुरिस का बुदू। बुदू वो, अच्छा इसको बोला आपने। हाँ, खोरसानी का डाकला। खोरसानी का डाकला केला को ही गाइस। हम लोग का एक होता है ये वाला जो मिर्च का जो दंडा बोलेगा इसको हिंदी में बोले तो, अगर इससे घर में ऐसे लग के रहेगा तो एकदम क्या बोलेगा, घर का जो होता है लक्ष्मी नीचे हो जाता है। ऐसा ना? हाँ नीचे ऐसे, इसीलिए जो है इसको इसका ऐसे साइड में नहीं फेंकना है कभी भी घर सफा करने में दिखाई देने से। अच्छा अच्छा, ऐसे कर करके जो है सफा करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं ऐसे चावल सफा करने का जगह में मिर्च तोड़ के उसको दूर से फेंकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग का जो बुरा बुरी लोग हमेशा डर रहता है। हाँ सही बोला है। अभी दीदी लोग भी आ चुके हैं वहाँ पे, लोकल बिस्किट निकाल दिया है मम्मी ने एकदम सुबह सुबह बना दिया था। तो अभी पैकिंग शेकिंग सब करना है। मम्मी बोल रही है कि इसको जो है गर्म है तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। कल आप लोग कितना बजे को? अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। 3 बजे तब? हाँ बच्चा लोग के लिए ऐसा कर लीजिए। मोमो स्टीम है? हाँ मोमो स्टीम में स्टीम कर सकेगा, है ना मम्मी? हाँ थोड़ा गर्म करके। गरम मत करो, गरम करने से टेस्टी नहीं होगा। आपको ठंडा खाना, यही ठीक है, ठंडा यही ठीक लगा। गरम करने से भारी मिस्टेक हो जाएगा। मेरा हस्बैंड जो नहीं जाते वक्त शायद वो पानी पानी हो सकता है ना गरम में। देने के लिए नहीं है बेटी लोग को, हम यही बना देगा। और दीदी लोग को टेस्टी लग रहा है बोला। जो नीचे में रहता है वो थोड़ा पानी पानी लगता है ना, क्योंकि हाँ आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे मेरा बच्चा जग गया, पूरा खेल रहा है। जितना है उतना ही। उतना ज्यादा तो नहीं है, ये मम्मी बोल रहे हैं कि थोड़ा खाने के लिए। कितना? एक एक तो रखने से हो जाएगा। रितु भी एक तो भी नहीं खाया है तो। रितु हम लोग 4 जन है ना? चार लोग है। चार लोग है हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ में पैकिंग कर दिया है, उतना ज्यादा नहीं था। और राइस पूरा पूरा बना दिया था ना? हाँ पूरा था, लास्ट था स्टिकी राइस जो हो जाएगा। और वहाँ पे किरण भैया लोगों को और समीर भैया लोगों को खाने के लिए दिया था, पर घर में लेके जाने के लिए नहीं है क्योंकि मम्मी ने जो है वो बस दीदी लोगों के लिए बना दिया था। तो कोई नहीं, मिल बात के जो है हम लोग खाएंगे। ये ले जाओ, कुछ देने के लिए नहीं है। नहीं हो जाएगा, देखो इतना प्यार मिले। कुछ सब्जी अब्जी ले जाना है क्या? नहीं जगह नहीं है। जगह नहीं है, बाइक में है ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम आने से गाड़ी में आओ। जाने का टाइम में सब्जी लेके जाओ। वो हैंड बैग में नहीं सकेगा तब? हैंड बैग में कुछ कुछ सब्जी नहीं सकेगा? पूरा खुशी खुशी। अभी मुझे सब्जी कलेक्ट करना पड़ेगा डिनर के लिए। उठा लो उठा लो। हाँ इसको मैं रख के आ जाती हूँ। आराम से रेस्ट कर लीजिए। अभी मैं और मम्मी अपना काम पे लगते हैं। मम्मी जो है लाइपटा बिछेगी, तो लाइपटा उकारने के लिए थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा और मुठा भी बनना पड़ेगा।
और मम्मी ने जैसे इसको सफा किया, ये देखिए लाइपटा कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। पर क्या करें, बहुत सस्ता है, सस्ता है। यहाँ में देख सकते हो, ये देखो, वाह, कुछ भी दवाई सवाई नहीं दिया है। ये देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश लाइपटा। आज हम लोग मूली साग खाएंगे ना? हाँ, मूली साग तोड़ के लेके आना पड़ेगा मुझे। और यहाँ में जो है हम लोग का अदरक का खेत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाने के लिए जंगल हो चुका है। पूरा फ्रेश है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है। मीठा होगा, मीठा होगा जैसा लग रहा है। दवाई हुआ है कुछ नहीं। अभी इस वाली जगह पे जो है दोस्तों, उस साइड में थोड़ा खाली है, उसमें जो है बिंदी का वो खेत तो खत्म हो गया। अभी इस साइड में जो है ट्रैक्टर मारना पड़ेगा। हम लोग जो है मूली का खेत थोड़ा करेंगे और क्या बोलता है मम्मी, मटर, मटर का खेत। मम्मी जो है कटिंग कर रही है, तो मुझे जो है मूठा बनना पड़ेगा। ये देखो, ये वाला मैं लेके जाती हूँ। मच्छर खा रहा है मुझे, मच्छर मच्छर। ये देखो एकदम फ्रेश फ्रेश लाइव पट्टा यहाँ में ना। जी इकट्ठा कर रहा है किसका लिए? ये एक तो आंटी लेके जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, लठाओ मार्केट है। अच्छा, मार्केट में बेचने के लिए। अच्छा अच्छा, मूठा बनना है। मम्मी उखा रही है लोकल ऑर्गेनिक लाइव पट्टा ना। और अभी तो इसके साथ में तो पोर्क का मीट होना पड़ेगा। बड़ा बड़ा पीस बना के खाने से बहुत टेस्ट होगा। मम्मी को दिखाना पड़ता है क्योंकि मालिक वही है ना। कितना बड़ा बड़ा मूठा बनना है तो वहाँ पर भी देख सके गाइस। ये देखिए गाइस, ये कितना में देगा मम्मी? ₹5। ये देखो दोस्तों, ₹5 इतना सस्ता है। आप लोग का वहाँ में कितना है जरूर से कमेंट करके बताना। हम लोग का यहाँ में बहुत सस्ता है, ₹5 है ये मोटा का। देखिए गाइस इतना सस्ता, बहुत सस्ता है। तो यहाँ में जो है मैंने बांध दिया है, ये देखिए दोस्तों, कुछ इतना इतना करके मैंने मूठा बांध दिया है। ये देखो ₹5 मूठा, तो यहाँ पे जो है टोटल ₹60 हुआ है। अभी रेवन को जो है थोड़ा सा दूध पिला दिया और दीदी लोग जो है यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी खेत पर दोस्तों, भाभी का खेत पर। आज जो है दीदी लोगों को लोकल ऑर्गेनिक साग से जो है मैं डिनर बना के खिलाऊंगी। लम्बू जो है फिश पॉन्ड में गया है, उतना बड़ा तो नहीं है हम लोग का फिश पॉन्ड, छोटा है। तो वहीं में जो है छोटा मोटा मछली पकड़ रहा है, तो मछली के साथ चटनी बनाएंगे। और आज जो है मम्मी ड्राई फिश भी लेके आई है, तो उसी के साथ भी चटनी बना के खिलाऊंगी। दीदी लोग को बहुत खाने मन है, तो इसीलिए इधर से जो है मैं लेके जाऊंगी मूली साग। इधर से उगाने से ठीक होगा। ये देखो इधर में, वाओ, फ्रेश फ्रेश एकदम। ये देखो उस वाला जो है भाभी ने सफा किया, तो मैं यहाँ से जंगल वाला से लेके जाती हूँ। और काबूचे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, तो थोड़ा सा मेरा स्कर्ट को जो है मैं लूंगी जैसा बनाती हूँ, नहीं तो ये इसको पाँव में लग के गिर जाऊंगी। वाओ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ में एकदम फ्रेश फ्रेश मूली साग। तो यहाँ पे जो है मैंने मूली का साग जो है उखाड़ दिया है। ये देखो अभी इसको जो है बस अच्छे से वॉश करने से हो जाएगा, जो इसका रूट्स वगैरह था उससे जो है मैंने फेंक दिया है, तो हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी मैं फिर से जो है भाभी का घर जाती हूँ, तो वहाँ से जो है धनिया पत्ता लेके आ जाती हूँ। मम्मी का रोने का आवाज़ आ रही है, ऐसे बच्चे लोग मिलते मिलते लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो शायद ऐसा हुआ है। पूरा भाभी चिल्ला रही है, मैं पूरा दौड़ रही हूँ धनिया पत्ता लेने के लिए। बच्चा जो है रोते रोते मुझे देख लिया, तो वो सोच रहा है कि उसका मम्मी आ रही है। हाँ, हम तो सोचा है कि मानवी रो रही है क्या? ओ, होचपना रो रही है। क्या हो गया होचपना? ओ, उसका मम्मी को ढूंढ रहा है। आपका मम्मी कहाँ में है?
हाँ पूरा देखो ना, खेलते खेलते शक्ल कैसा हो गया इसका। ये देखिए यहाँ में धनिया पत्ता, इतना बढ़िया खुशबू है। सुमी ओ भाभी यहाँ पे जो है लॉन्ग बीन तोड़ रही है, उधर में कलक कर रहे बेचेगी, जो हमारे खेत से आंटी लेके जाते हैं वही आंटी लेके जाएगी शायद। यहाँ पे पूरा लॉन्ग बीन लगे हुए है, इतना अच्छा हुआ है भाभी का। ये देखो पूरा अंदर अंदर पे वहाँ पे तोड़ रही है, और यहाँ में इतना मिला है। यहाँ से लेके नहीं जाऊंगी, जो तोड़ के रखी है वहाँ से लेके नहीं जाऊंगी, यहाँ से मैं खुद तोड़ के लेके जाऊंगी। अंधेरा हो रही है, भाभी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ना इधर में, तो मैं फ्लैश लाइट ऑन करके जो है यहाँ में तोड़ रही हूँ, यहाँ से तोड़ लेती हूँ। लॉन्ग बीन ये कल सुबह ब्रेकफास्ट में बना दूंगी। देखिए मैंने जो है यहाँ पे तोड़ लिया है। मान दी, बाय बाय, गुड नाइट। अंधेरा हो रहा है कैमरे पे, तो अभी भी पूरा क्लियर दिख रहा है। और मम्मी बोली थी कि इस साइड में एक तो बेम्बू दिखाई दिया है, हाँ ये वाला लेके जाती हूँ अभी। यहाँ में मेरा गमला छोड़ के गई, अभी बेम्बू को जो है लेती हूँ। कैमरे ऑफ करना पड़ेगा। साग को जो है मैंने अच्छे से सफ़ा कर दिया है, ये देखो मूली को जो है एकदम चाकू से सफ़ा कर दिया। अभी जाती हूँ, पूरा अंधेरा हो चुका है। हाँ लाइट आ गया। मम्मी ने जो है चावल भी चढ़ा दिया, और यहाँ पे जो है बैंगन का सब्जी भी पका दिया है, ये देखो। अभी इसको जो है मैं पका लेती हूँ, उतना खास सब्जी नहीं है। लेमो जो है मार्केट से अंडा लेके आएगा, मछली बस यही मिला है, इसको क्या करेंगे ना। मैं कद्दू को थोड़ा ऐसे टाइप का बनाई हूँ, थोड़ा झुलझुल टाइप का, तो साग भी यहाँ पे बॉयल होने के लिए दे दिया है, ये बॉयल हो रही है। और यहाँ पे साग के साथ खाने के लिए जो है सूरी माछ यानी कि ड्राई फिश मैंने जो है कूट के यहाँ पे रख दिया है। अभी इसमें जो है मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूँगा, एकदम हरा हरा साग। वाह, ज़्यादा नरम नहीं करना है। खाना वगैरह निकाल दिया है, अभी हम यहाँ पे कितना है, 5 लोग 6 लोग यहाँ में। रेवन है, रेवन खाना नहीं खाता है, मुंह कैसा कर रहा है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे डिनर करते हैं, मुझे जो है बहुत ही भूख लगी है, तो मैं वीडियो जो है नहीं बनाऊंगी। तो बस इसी के साथ ब्लॉग जो है एंड करती हूँ दोस्तों। आई होप कि आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जरूर से कॉमेंट कर देना। तो आप लोगों से मैं फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट सभी को। अभी जल्दी से जल्दी खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मैं सुबह से लेकर भूखी हूँ।